हेलो साखमा गणी। तो आज की इस वीडियो में हम हैंड पेंटेड सूट को डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया, कॉटन साटन और प्लेन ओढ़ना और कुछ कलर तारे ले लिए थे। सबसे पहले मैंने स्केच को एक कागज़ पर बना लिया, देन उसको इस तरीके से ओढ़ने रखे और पेंसिल घुमाते हुए उस पर ट्रेस कर लिया उस पर। और इस तरीके से ओढ़ने पर इजीली ट्रेस हो जाता है उसको फ्रेम में करके। और फैब्रिक ग्लू और जो थ्रेड था मेरे पास एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, उसका यूज़ करते हुए मैंने इसकी बाउंड्री बना ली थी। इसी कलर का मैंने लीव्स पे भी ग्रीन कलर का यूज़ करते हुए बाउंड्री बनाई, देन उसके ऊपर एक्रेलिक पेंट किया। और मेरे पास एक्रेलिक पेंट था, अगर आपके पास फेब्रिक कलर है तो आप वो भी कलर कर सकते हैं। इसे सूखने में 1 से 2 दिन लगते हैं, बट ये वॉशेबल होता है, ये ख़राब नहीं होता। इस तरीके से मेरा फ्लोवर कम्प्लीट होता है ओढ़ने का। और मैंने जो सूट पर डिज़ाइन ट्रेस की थी वो इसी फ्लोर पर मैंने छोटे छोटे डॉट्स बना लिए थे, होल कर लिए थे उसी पर पेन घुमाते हुए। और इस पूरी डिज़ाइन को मैंने अपने फैब्रिक पर ट्रेस कर लिया। और इस तरीके से जो ट्रेस हुआ था फैब्रिक, उसको मैंने स्केच को कंप्लीट किया, सारे डॉट को मिलाते हुए अपना जो फ्लोवर था उसका स्केच मैंने फिर से बना लिया और उसके ऊपर भी एक्रेलिक पेंट किया और देन इसको कंप्लीट किया। जिस तरीके से मैंने ओढ़ने पर आउटलाइन वगैरह की थी एम्ब्रॉयडरी की, उसी की वजह तरीके से किया। और लहंगे पे इस तरीके से मैंने सारे फ्लोवर पहले बना लिए, स्टिच होने के बाद भी कर सकते हैं, मैंने पहले किया। उसके बाद ये जो तारे मेरे पास थे उन्हीं को, तारों को मैंने लगाया। और पीछे नोड लगाना नहीं भूले क्योंकि ये बाद में पूरे हट जाते हैं वरना। और इस तरीके से मेरा ओढ़ने का लुक कंप्लीट होता है। और ये ओवरऑल जो इसका लुक था कुछ इस तरीके का था। मैंने रेड डोरी के साथ इसे स्टिच किया ओढ़ने के, मैंने चारों पल्लुओं पर और मिडल में एक फ्लोवर बना लिया था और कुर्ती पे, एंड देन जो इसकी स्लीव्स थी उस पर भी मैंने इस तरीके से सेम साइज़ का छोटा फ्लोर बनाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।